नगला क्रंसिंग पर पेयजल समस्या को लेकर आज क्षेत्रीय जनता महापौर नूतन राठौर से मिली, जहां उन्होंने पेयजल समस्या के निदान के लिए आश्वासन दिया। रोड पर पेयजल समस्या बेकराल रूप धारण किए हैं। क्षेत्रीय लोगों ने महापौर को ज्ञापन दिया है। क्षेत्रीय लोगों ने मांग की है कोटला रोड नगला क्रंसिंग पर जहां पानी की समस्या पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, उसका स्थायी समाधान किया जाए, क्योंकि पेयजल समस्या से लोग परेशान हैं। आए दिन लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। अधिकारियों को भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसी स्थिति में जनता ने अपील की है कि महापौर उनकी समस्या को सुनकर तत्काल स्थायी समाधान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। नगर नगला क्रंसिंग से हम आए हुए गली नंबर 2। किस तरह की समस्या थी वहाँ? पानी जो पाइपलाइन हमारे यहाँ पे भिगी हुई है नगर पालिका की, जो पाइपलाइन, उसमें पानी ना आने के कारण हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। उसकी समस्या को लेकर हम मेयर साहब के पास आए, उन्होंने हमारी समस्या का समाधान करते हुए और बोलिंग करने वाले मिस्त्री हुए हमारे साथ। दो महीने से पानी ना आ रहा और 2 महीने से देख लो भाई, आतन में ठेठा पड़ेगी, डिब्बा उठाता इतनी परेशानी है। आज क्या कह रही मैडम ने कुछ किया है? मैडम जो कह रही मतलब समस्या का समाधान होगा। देखिए, नगर निगम ने पूरी तैयारी करी है, जो इस बार जो गर्मी आने वाली है उसमें काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी भरपूर है। सभी 70 वार्डों में 70 समर का हमारे पास हमने टेंडर निकाला हुआ है, वो लगेंगे। प्लस जहां आउटर में हमारे जो क्षेत्र हैं, जो वार्ड हैं, उनमें नलकूप की व्यवस्था पूरी तरह से 10 नलकूप हैं शायद हमारे 11, उसकी व्यवस्था की गई है।